आज पिछोर से लेकर रेडी चौराहा और खनियाधाना लगभग 1000 मोटरसाइकिलों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि पिछोर मंडल अध्यक्ष राहुल रहोरा के साथ विधायक पिछोर प्रीतम सिंह लोधी और भाजपा जिला महामंत्री सोनू बिरथरे और भाजपा के युवा कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा पिछोर के लक्ष्मीबाई चौराहे से शुरू हुई। सबसे पहले पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बस स्टैंड पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पिछोर से रेडी चौराहे तक खनियाधाना तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमन और शांति है। इसी विचार के साथ पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी, जिला महामंत्री सोनू बिरथरे, मंडल अध्यक्ष राहुल रहोरा, मीडिया प्रभारी गोलू कुशवाहा, उनकी टीम 1000 मोटरसाइकिल के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और तिरंगा यात्रा का समापन खनियाधाना में हुआ। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। माता की जय, हर माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर बैठे मंचासी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथी, माताएं बहने, बच्चे, बुजुर्ग, सबको प्रणाम करता हूँ। सब प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आज वो दिन है कि जो तिरंगे के लिए सारी जनता उमड़कर बाहर आई है। ये तिरंगा ये देश की हमारी शान है, ये हमारी देश की आन बान शान है। दोस्तों, ये तिरंगा, ये देश तिरंगे का है और ये देश राम का है। ये वही तिरंगा है जिसकी खातिर माननीय उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था। दोस्तों, ये वही तिरंगा है, ये वही तिरंगा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थाम दिया था, ये वही तिरंगा है। दोस्तों, ये वही तिरंगा है चांद पर फहरा रहा है। दोस्तों, ये वही तिरंगा है, ये भारतवर्ष का तिरंगा है। लोग कहते थे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन नहीं था दोस्तों, कांग्रेस के जमाने में नहीं था, लेकिन आज मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कन्याकुमारी से कश्मीर एक है। आज के दिन कश्मीर में ये झंडा नहीं फहराया जाता था दोस्तों, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये आपकी देन है। आपके वोट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आज ये झंडा कश्मीर में भी फहराया जा रहा है। भारत माता की जय, माता की जय। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। मैं तो मानता हूँ, अगर आज के दिन किसी ने अगर झंडे को नहीं थामा तो वो हिंदुस्तान की शान नहीं है दोस्तों। वो आन बान शान तभी रहेगी जब इस झंडे को जो थाम लेगा दोस्तों, वही हिंदुस्तानी माना जाएगा दोस्तों, वही हिंदुस्तानी। अगर जो कोई रह गया हो इस झंडे को थामे बगैर, तो शाम दूर है अभी, थाम सकता है। कहते शाम का भूला अगर सवेरे घर पे आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं दोस्तों। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली कहलाएगा जो अपनी छत पर, अपनी तपरिया पर, अपने महल पर, अपने घर पर इस तिरंगे को लगाएगा, वो अपने आप में गौरव प्राप्त करेगा दोस्तों, गौरव प्राप्त करेगा। सीना चौड़ा कर सकता है अपना आप को दोस्तों, सीना चौड़ा में सीने में उसी के मतलब होगी जो इस तिरंगे को थामेगा दोस्तों, उसी का सीना, इस भारतवर्ष का सीना कहलाएगा मेरे भाइयों। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अपने अपने घरों पर ये मोदी जी का आह्वान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आह्वान है कि हम इस तिरंगे को घर घर और बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगे को तैराए। चूक मत जाना मेरे भाइयों, जो कोई चूका अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेगा वो हिंदुस्तानी कहलाने लायक नहीं रहेगा, और जो थाम लेगा वो गर्व से हिंदुस्तानी होगा दोस्तों। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा माला अर्पण कर लूँ हमारे जिनने कुर्बानियां दी है देश के लिए, जिन्हें झंडे की खातिर अपना जीवन त्यागा है, क्या हम उनका आदर सम्मान नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए अब मैं थोड़ा हमारे जो कुर्बानी दी है चंद्रशेखर आजाद जी ने, तो मैं उस पर झंडा फहराने के, उस पर झंडा भी फहरा सकते हैं और उस पर माला अर्पण भी कर सकते हैं। मेरे साथ सब लोग आ जाएंगे तो और अच्छा होगा। ऐसा लग रहा है कि मंच उड़ रहा हो, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मंच उड़ रहा है, तो इतने लोग हमारे मंच पर हो गए तो हल्का सा टिकट लगा लगा, मैं उड़ तो नहीं रहा कहीं मंच। धन्यवाद।